क्या आप यकीन करेंगे कि एक बैटरी से आप पूरी रात अपने घर का एसी भी चला सकते हैं और कीमत इतनी कम कि आपको लगेगा कि यार अभी तक हमने आखिर लिथियम बैटरी को क्यों नहीं खरीदा। आपके घर पे एक बैटरी वाला इन्वर्टर हो सकता है, दो बैटरी वाला हो सकता है या फिर चार बैटरी वाला इन्वर्टर लगा हो सकता है। संभव है कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके घर पे 8 से 10 बैटरी वाला इन्वर्टर लगा हो और यकीनन आप अपनी बैटरी से परेशान होंगे। हर 2-3 साल में आपको बैटरी बदलनी पड़ती है, बैटरी में हर दूसरे तीसरे महीने उसमें पानी डालना पड़ता है, बैटरी साफ करनी पड़ती है और दुनिया भर के झंझट लेड एसिड बैटरी में होते हैं। जैसे जमाना तेजी से बढ़ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वैसे ही बहुत नई चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। 2024 में लेड एसिड या ट्यूबलर बैटरी की बिक्री में कम से कम 50% की गिरावट देखने को आपको मिलने वाली है इस साल में। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है? और दूसरा सॉल्यूशन है लिथियम फॉस्फेट बैटरी। तो चाहे आपके घर पे इलेक्ट्रिक कार है, या तो स्कूटर है इलेक्ट्रिक वाला, बाइक है इलेक्ट्रिक वाली, या तो फिर आपके घर पे इन्वर्टर बैटरी लगा है, लिथियम बैटरी की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है और इसीलिए लिथियम बैटरी की मांग में बहुत तेजी से कई 100 गुने की बढ़ोतरी देखी गई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, इस तरह की बैटरी आपको बताने वाला हूं कि आप लेड एसिड बैटरी को इमीडिएटली लिथियम बैटरी से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि लिथियम बैटरी की प्राइसिंग बहुत तेजी से कम हुई है। जैसे मार्केट में लिथियम बैटरी की डिमांड बढ़ी है, वैसे ही लिथियम बैटरी की प्राइस बहुत कम हुए हैं। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो उसमें भी मैंने लिथियम के कुछ मॉडल्स बताए थे जिसमें लिथियम बैटरी की प्राइसिंग बहुत कम हुई है। आज उसी वीडियो का पार्ट 2 ये मैं बना रहा हूं, जिसमें आप लोगों के लिए एक और रेवोल्यूशनरी बैटरी मैं दिखाने वाला हूं जिसकी कीमत इतनी कम है कि आपको लेड एसिड बैटरी की कीमत में आपको लिथियम बैटरी मिल जानी है। तो कीमत तो सबसे कम और लाइफ इतनी ज्यादा कि 15 साल वारंटी, लाइफ है 30 साल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को कहीं से भी आप स्किप ना करें, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि लिथियम बैटरी लगाने पे क्यों आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाने वाली है और क्यों आप अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से एक सही प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बार बार धन्यवाद। तो देर ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू और वीडियो को मैं शुरू करूंगा 48 वोल्ट की बैटरी, और मतलब जिन लोगों के घर पे 4 बैटरी वाला सिस्टम लगा है उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन क्या है। तो आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये है नेक्सस की 48 वोल्ट की बैटरी। और इंडिया में आज की डेट में अगर आप देखेंगे इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंज इंडिया में आए हैं। अब तो इन्वर्टर में अभी आप देखेंगे 2024 में तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने 48 वोल्ट के इन्वर्टर लॉन्च किए हैं, 3 किलोवाट से लेके और आप 15 किलोवाट तक चले जाइए आपको ज्यादातर कंपनियों के जो इन्वर्टर हैं वो आपको 48 वोल्ट में मिलने वाले हैं। 3 किलोवाट है, 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 8 किलोवाट, 11 किलोवाट, 15 किलोवाट, आप देखिए सारे इन्वर्टर आपको 48 वोल्ट में मिलेंगे। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो वहां पे 48 वोल्ट की बैटरी यूज होती है। ई रिक्शा की बात करें, ई रिक्शा में 48 वोल्ट की बैटरी यूज होती है। बहुत सारे ट्रैक्टर और कार में भी 48 वोल्ट की बैटरी यूज होती है। तो द मोस्ट सेलिंग बैटरी है 48 वोल्ट की बैटरी। और इस बैटरी को अभी तक लोग इस वजह से नहीं लेते थे, दो रीजन है बैटरी ना लेने के जो लोग लिथियम बैटरी पर नहीं जाते। तो एक तो उनको लगता है कि लिथियम बैटरी बहुत महंगी है, दूसरा उनको लगता है कि लिथियम बैटरी में आग लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो बैटरी है इसमें ना तो आग लगने का कोई खतरा है और सस्ती इतनी है कि अभी मैं आपको प्राइस बताऊंगा आप बोलोगे वाह कमाल कर दिया। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आपको लिथियम बैटरी पर आप जाना चाहते हैं तो आखिर क्यों आपको लिथियम बैटरी पर जाना चाहिए, क्यों आपको लेड एसिड बैटरी अपने घर पर नहीं लगवानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, लेड एसिड बैटरी आपको अपने घर पर यूं नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि लेड एसिड बैटरी के हर चार्ज में, जैसे आप एक बार अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं तो 150 Ah बैटरी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 150 Ah बैटरी के एक चार्ज में आपकी 50% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको बताया है, मतलब चार्जिंग आपकी लगेगी 2 यूनिट की, पर आप जब बैटरी से वापस करंट लेंगे तो आपका 1 यूनिट वेस्ट हो जाएगा। मतलब 2 यूनिट आपने डाली, 1 यूनिट ही आपको मिलती है। तो 50% का तो वेस्टेज आपका ये हो गया लेड एसिड बैटरी में। दूसरा वेस्टेज ये हो गया कि अगर आप लेड एसिड की माने 150 Ah की बैटरी है और 150 वॉट से ज्यादा का आप लोड लिफ्ट कर रहे हैं पर घंटे, मतलब हो सकता है आपके घर पे समरसेबल लगा हो, आप एसी चलाते हो अपनी बैटरी से, या फिर आपके इंडक्शन आप चलाते हो, या घर में कुछ इस तरह के लोड होते हैं प्रेस आप चलाते हो, तो जैसे ही आपने 150 वॉट से ज्यादा का लोड अपनी एक C10 सोलर की C10 बैटरी से लिफ्ट किया तो अभी तक तो आपको बैटरी 50% का बैकअप दे रही थी, अब वो बैकअप 50% भी गया, अब आपको रह जाना है कुल 30-20% ही बैकअप रह जाना है। तो आप देखिए लेड एसिड बैटरी में इतना ज्यादा नुकसान आपको हर चार्जिंग में होता है, इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जैसे घर में 2 बैटरी वाला या 4 बैटरी वाला इन्वर्टर
इन्वर्टर लग जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं वो उस घर में बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको लिथियम बैटरी लेनी चाहिए। कि लिथियम बैटरी में क्या है कि आप 200 वाट का लोड ले लीजिए, 500 वाट का लोड ले लीजिए या 1000 वाट का लोड ले लीजिए, यहाँ पे आपको जो बैकअप मिलता है वो ऑलमोस्ट आपको 95% तक मिल जाता है। तो मतलब यहाँ पे आपके जो पावर लॉस है वो आपके कम हो गए। अब बहुत सारे लोग क्या है कि सोलर पर जाना चाह रहे हैं, सब बिजली के बिल बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, अब मेरे को सोलर पर जाना है। अब सोलर पर तो जाना चाह रहे हो पर आपने लेड एसिड बैटरी लगा रखी है। अब सोलर आपने सपोज करो कि 5 किलोवाट का आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, 4 बैटरी का आपका सिस्टम है, तो 8 यूनिट तो आपका वहीं वेस्ट हो गया बैटरी में डालने में। तो मतलब आपका 2 किलोवाट तो आपका सोलर वेस्ट हो गया। ज्यादा बेहतर है कि आप 3 किलोवाट सोलर लगवा लो और बैटरी को लिथियम बैटरी से रिप्लेस कर लो। तो जैसे ही आपने बैटरी को, लेड एसिड बैटरी को लिथियम बैटरी से रिप्लेस किया, 5 किलोवाट की बजाय केवल 3 किलोवाट ही उतना बैकअप आपको दे जाएगा जितना कि 5 किलोवाट का आपको बैकअप मिलता है लेड एसिड बैटरी के साथ में। तो इस वीडियो में बिल्कुल मैं शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। तो आपने अगर मेरे कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंपैरिजन करके दिखाया है, लाइव लोड टेस्ट करके दिखाया है लेड एसिड बैटरी को लिथियम बैटरी के साथ में। तो आप उन वीडियोज़ में जान सकते हैं कि आखिर लिथियम बैटरी को आपको क्यों लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये वाली जो बैटरी है ये है नेक्सस की 48 वोल्ट की बैटरी। अब ये बैटरी जो आपकी लेड एसिड की बैटरी होती है 150 AH की, ये 4 150 AH की बैटरी के बराबर ताकत रखती है एक ही बैटरी। वारंटी है इसकी 15 साल, वारंटी की डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, और इस बैटरी की लाइफ है 30 साल। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि साहब लिथियम बैटरी हमने लगवा तो लें पर स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं, लेड एसिड बैटरी की स्क्रैप वैल्यू होती है तो क्यों ना हम लेड एसिड बैटरी लगवाएं। तो फ्रेंड्स लेड एसिड बैटरी की स्क्रैप वैल्यू होती है पर लिथियम बैटरी की भी स्क्रैप वैल्यू होती है। मतलब मैंने आपको बोला कि 15 साल के अंदर आप इस बैटरी को 50% डिस्काउंट और MRP पे बदल सकते हैं, तो 50% इसकी 15 साल तक इसकी आपको स्क्रैप वैल्यू मिलती है। दूसरा, अभी जो मैंने आपको 150 AH बैटरी से इस बैटरी को कंपेयर किया है वो मैंने किया है कि स्टैंडर्ड लोड पे, मतलब कि C10 आपके पास बैटरी है सोलर वाली और उस बैटरी को आप 150 वाट पर घंटे के हिसाब से आप यूज कर रहे हो, पर अगर आप उस बैटरी को 400 वाट पर घंटे के हिसाब से अगर यूज कर रहे हो, लेड एसिड बैटरी को अगर आप यूज करते हैं, तो अब ये बैटरी आपकी 200 AH की जो लेड एसिड बैटरी होती है ट्यूबलर वाली उससे ज्यादा पावरफुल हो जाती है। दूसरी खासियत इस बैटरी की कि आप अप टू 10 बैटरी तक आप एक बैटरी से दूसरी बैटरी जोड़ सकते हो। जैसे अभी आपको, आपने एक बैटरी ले ली, कल को आपको लगा कि यार रात को मेरा एसी चलता है, रात को एसी मेरा चलते चलते बंद हो जाता है, बैटरी मेरी डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में एक बैटरी आप और एड ऑन कर सकते हैं उसमें। फिर आपको लगा कि यार अभी भी कुछ कम रह गया, 2 AC चलाने, एक बैटरी और डाल दीजिए। तो मतलब 10 बैटरी तक आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। वो जो मैं आपको बैकअप बता रहा हूँ वो 100% रहता है। लेड एसिड बैटरी में क्या है कि जो बैकअप है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे बैटरी का कम होता चला जाता है, पर इस बैटरी में आपको लास्ट तक पूरा बैकअप मिलने वाला है। अब इस बैटरी की अगर मैं आपको कीमत की बात बोलूं तो फ्रेंड्स मात्र 78,800 रुपये प्लस GST में आपको ये बैटरी मिल जानी है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर 200 एम्पीयर की बैटरी अगर आप लेड एसिड की लेते हो तो 20,000 रुपये से कम नहीं है, अगर अच्छी कंपनी की बैटरी लेते हो, और उसमें भी आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। यहाँ पे आपको 76,800 रुपये में बैटरी मिल गई, तो आप ये समझो कि लेड एसिड के बिल्कुल रेट में आपको बैटरी मिल गई। ये लिथियम फॉस्फेट पे जाने का कोई और बहाना अगर आप सोच रहे हो कि अभी भी नहीं जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप और कोई बहाना आपका चलने वाला है लिथियम बैटरी को ना लेने का। जो मैं आपको बैटरी बताने वाला हूँ वो बैटरी तो इतनी धुआंधार होने वाली है कि डेफिनेटली आप अपनी लेड एसिड बैटरी को बिल्कुल निकाल के फेंक देंगे और कहेंगे मुझे तो लिथियम बैटरी लगानी है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अब दूसरे मॉडल की मैं आपको बात बताऊं तो आप ये देखें फ्रेंड्स मेरे सामने, ये है नेक्सस की 25.6 वोल्ट की बैटरी, 80 AH की बैटरी। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका सवाल ये होता है कि क्या जी नॉर्मल जो हमारा इन्वर्टर है क्या उस इन्वर्टर पे हम इस बैटरी को लगा सकते हैं? तो फ्रेंड्स उसके लिए अगर आपके इन्वर्टर में ये वाली सेटिंग है, आप ये देखिए, ये जो सेटिंग आप देख रहे हैं, जैसे बैटरी को चार्ज होना है 29.2 वोल्ट तक, तो अगर आप अपने इन्वर्टर को 29.2 वोल्ट का कट ऑफ उसमें सेट कर सकते हैं कि आपका इन्वर्टर इस बैटरी को इससे ऊपर चार्ज ना करे और 21.2 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज ना करे, देन आप इस बैटरी को ले सकते हो। तो आपके इस सवाल का आंसर मैंने दे दिया कि अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर पे लगाना चाहते हो लिथियम बैटरी को, तो आपको अगर वो सेटिंग आप कर पाओगे तो आप लगा सकते हो, वरना आप इस बैटरी को आप नॉर्मल इन्वर्टर पे नहीं लगा सकते हैं। तो मोस्टली जो इन्वर्टर होते हैं उनमें सेटिंग का ऑप्शन होता है, तो आप अपने इन्वर्टर में चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके इन्वर्टर में ये सेटिंग वाला ऑप्शन है, अगर है तो ये बैटरी आप ले सकते हैं। अब इस बैटरी की भी बात हुई, अब आपके यहाँ पे क्या है कि हमारा समरसेबल चलता है। अब समरसेबल आपके यहाँ पे दो बैटरी आपने लगाई हुई है 150 AH या 200 AH की, पर आप देखेंगे कि समरसेबल आप चला दीजिएगा 30-35 मिनट से ज्यादा दो बैटरी समरसेबल को चला ही नहीं सकती। अब
अगर आप इस बैटरी से अपने समरसेबल को चलाते हो तो पूरा एक घंटे से ज्यादा आपका समरसेबल चल जाएगा। तो आप समझिए 200 AH की जो ट्यूबलर बैटरी है उससे भी ज्यादा ये बैटरी पावरफुल हो जाती है। तो जिन लोगों के घर पे दो बैटरी वाला सिस्टम लगा है और जिनको लॉन्ग लाइफ चाहिए, इस बैटरी को आप देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील से बनी हुई ये बैटरी है। पूरा इस बैटरी को, चूंकि ये बैटरी इतनी लॉन्ग लाइफ है कि 15-20 साल 25 साल आपके यहाँ चलने वाली है, तो इसीलिए स्टील बॉडी में ये बैटरी बनाई गई है। नेक्सस के अलावा कोई दूसरी कंपनी स्टील में नहीं बनाती है, MS बॉडी में बाकी कंपनी जो है बैटरी बनाती है, पर हम लोग इसको स्टेनलेस स्टील में बनाते हैं क्योंकि बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा है। बैटरी में कोई पानी डालने की आपको जरूरत नहीं है, कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं है, तो आपने कोने में बैटरी लगा दी, बस आपकी अब बैकअप बैटरी दिए जा रही है। अब इस बैटरी की खासियत यही नहीं है, अगर आपके पास में माना नेक्सस का आपके पास में 1X वाला मॉडल है सोलर एयर कंडीशनर का, तो आप सोलर AC भी चला सकते हो इसी बैटरी पे। एक जरा सी बैटरी और आपका AC, आप चाहो पूरे दिन आप सोलर लगा दो, 1.5 किलोवाट का सोलर लगा दो, ये बैटरी लगा दो, आप पूरे दिन अपना AC चला सकते हो। और रात की बात आ जाती है कि रात में अगर मुझे तो साहब रात में जो है वो AC चलाना है, पूरी रात चलाना है, तो अगर आपने नेक्सस का 1X वाला मॉडल लिया हुआ है तो इसमें जैसे ये 80H की बैटरी है तो आप इसमें 200H की बैटरी भी ले सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इस बैटरी में एक बैटरी और सेम लेके आप पैरल इस बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो, पैरल आप इस बैटरी को जोड़ सकते हो, सीरीज में आप इस बैटरी को नहीं जोड़ सकते हो। अब इस बैटरी की अगर मैं कीमत की बात करूं तो 40,960 रुपये प्लस GST में आपको ये बैटरी मिल जाती है। अब मैंने जैसे बताया कि आप C10 की अगर बैटरी लेंगे मार्केट में, आप गूगल करके देखिएगा तो C10 की अच्छी कंपनी की बैटरी आपको लगभग 20,000 रुपये में मिलती है 200H की, और ये 200H से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि अगर आप एक बैटरी पे ज्यादा लोड ड्रेन करते हैं, तो आप ये समझिए कि लेड एसिड बैटरी के बिल्कुल रेट में आपकी बैटरी आ जाती है। आप देखें कि जैसे मैं बैटरी पे ऐसे हाथ रख के खड़ा हूं, आप लेड एसिड बैटरी पे इस तरह हाथ नहीं रख सकते। अगर यही बैटरी लेड एसिड की होती तो पूरी मेरी जैकेट अब तक खत्म हो जाने वाली थी। इस बैटरी को आप कहीं भी लगा दिए, बच्चे खेल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेड एसिड बैटरी के पास में बच्चों की पहुंच से लेड एसिड बैटरी को दूर रखना चाहिए क्योंकि एसिड होता है उसमें, बाकी इस बैटरी को कोई दिक्कत नहीं, बच्चे खेल रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत, चिल, ये वाली बैटरी आप लोगों के लिए एक परफेक्ट बैटरी हो जाती है प्राइस के मामले में भी। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बैटरी, ये जो बैटरी है ये इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग बैटरी है। आप ये देखिए, ये बैटरी है नेक्सस की 12.8 वोल्ट 80H की। अब जिन लोगों के घर में एक बैटरी वाला इन्वर्टर लगा है तो वो लोग बहुत परेशान रहते हैं कि उनकी एक बैटरी से अगर किसी वजह से वो अपना टुल्लू पंप चला लें या अपनी थोड़ा बहुत देर के लिए प्लेस चला लें या मिक्सी होती है मिक्सी चला लें तो बैटरी वो 10-20 मिनट में ही खत्म हो जाती है। पर इस बैटरी से आप घर के वो सारे काम कर पाएंगे, इससे अपना टुल्लू पंप चला सकते हैं, मिक्सी चला सकते हैं, अगर प्रेस आपके घर पे है 400-500 वाट की आप वो चला सकते हैं, TV पंखा कूलर फ्रीज भी आप चलाना चाहें फ्रीज भी आप इस बैटरी से चला सकते हैं, इतनी पावरफुल ये बैटरी है। अब ये बैटरी के लिए आपका सवाल होगा कि मेरे पास तो जी नॉर्मल इस कंपनी का इन्वर्टर लगा है, क्या इस बैटरी को मैं उस इन्वर्टर पर लगा सकता हूँ? तो उसके लिए फार्मूला फिर वही है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि 14.6 वोल्ट तक बैटरी चार्ज होनी चाहिए और 10.8 वोल्ट पे बैटरी डिस्चार्ज होनी चाहिए। तो अगर आप अपने इन्वर्टर में इस तरह की सेटिंग कर देते हो कि आपका डिस्चार्ज 10.8 वोल्ट से ज़्यादा ना हो और चार्ज आपका 14.6 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, तो इस बैटरी को आप किसी भी इन्वर्टर पे लगा सकते हो। अब आप दूसरा सवाल ये कहोगे कि साहब ये तो आप इसमें बैटरी में कनेक्टर लगा है और मेरे जो इन्वर्टर है उसमें तो अलग तरह का जुगाड़ है, तो आप कैसे करो? तो फ्रेंड्स, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमसे, अगर ये आप ये बैटरी बाई कर रहे हैं तो इस तरह का ये एक फीमेल कनेक्टर है, इसी तरह का मेल कनेक्टर हम आपको दे देंगे, जिस मेल कनेक्टर को आप अपने इन्वर्टर में लगा सकते हो। तो मेल में आप फीमेल कनेक्टर को प्लग इन करेंगे तो आपकी ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। इस बैटरी में हम इस तरह के टर्मिनल नहीं देते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे 48 वोल्ट की बैटरी में टर्मिनल देखे हैं, इस तरह के टर्मिनल इस वाली बैटरी में नहीं देते हैं। इस बैटरी को मल्टीपर्पज आप कई जगह यूज कर सकते हो, तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ 12 वोल्ट की बैटरी यूज होती है तो वहाँ पे इस बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील से बनी हुई ये बैटरी आपको लॉन्ग लाइफ भी देने वाली है और इस बैटरी को 15 साल के अंदर 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आप रिप्लेस भी कर सकते हो, तो एक जबरदस्त बैटरी हो जाती है। अब इस बैटरी की प्राइसिंग है 20,480 प्लस GST, तो आप सोच लीजिए कि 20,480, तो अब तो कोई बहाना नहीं बचता है फ्रेंड्स, इतनी सस्ती बैटरी कर दी, अब क्या बहाना बचता है आपको कि लिथियम बैटरी आपको ना लेनी है। 20,000 रुपये की आप C10 की बैटरी आपकी आने वाली है 200H की। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्लस GST, तो प्लस GST का मतलब ये है कि अगर आपको केवल ये बैटरी लेनी है, केवल आपको लिथियम बैटरी बाई करनी है, तो फिर इस पर GST लगेगी 18%। और अगर आप इसी बैटरी को सोलर पैनल या इन्वर्टर के साथ में बाई करते हैं, माना आपने पूरा 1 KVA का, 2 KVA का, 5 KVA, 10 KVA का आपने पैक ले लिया, तो अब ये बैटरी आपको सोलर पैनल प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ में 12% GST पे मिल जाती है। इसीलिए मैंने बार बार आपको रेट में प्लस GST करके बताया था। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसमें GST ऐड ऑन कर सकते हैं कि पैनल के साथ ले रहे हैं तो 12% ऐड ऑन कर लीजिए, और अगर आप
बिना पैनल के इस बैटरी को ले रहे हैं तो फिर आप 18% जीएसटी आपको इसमें लगने वाला है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया सोलर के लिए सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बता दिया। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं। आपकी कार है, आपके पास स्कूटर है, ई रिक्शा है, उसके लिए भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा कम है। तो मेरे कुछ वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी नया बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, नए एक बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो आप लिथियम बिजनेस में या सोलर एनर्जी के बिजनेस में आइएगा। 2024 से लेकर 2034 तक ज़बरदस्त स्कोप इस लाइन में रहने वाला है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, अगर आप इसके बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सेल्स मैनेजर के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस रिलेटेड भी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आपको ये बैटरी बाई करनी है तो हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy पे जाइए, वहाँ पे डीलर लोकेटर दिया हुआ है, वहाँ पे पिन कोड आप अपना डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप इस बैटरी को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये प्रोडक्ट भी बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।